दोस्तों जानवर कभी कभी गलत जगह पंगा लेकर खूब पछताते हैं, और ऐसे ही कुछ मोमेंट्स हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाए थे जिसे आपने खूब पसंद किया, और इसीलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही मोमेंट्स जब जानवरों ने गलत जगह पंगा लेकर गलती कर दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जहां पर एक हाइना गधे को बार बार फोर्स कर रहा है खुद से लड़ाई करने के लिए, पर यह गधा हाइना से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, पर यह हाइना है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके बाद इस गधे को भी गुस्सा आ जाता है और फिर ये हाइना की जो हालत करता है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ये हाइना को अपने मुँह में दबा कर मार देता है। आज इस हाइना को गलत जगह पंगा लेने का सबक मिल गया। अक्सर आपने चील को सांप का शिकार करते हुए और उसे अपने साथ ले जाते हुए देखा होगा, पर कभी कभी चील को भी सांप से पंगा भारी पड़ जाता है। अब जरा आप हमारे भारत के हैदराबाद में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप को देखिए जहां इस चील ने सांप से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका नतीजा उसे तुरंत ही भुगतना पड़ा और सांप ने उसे अपने जंगल में लपेट लिया। अब चील सांप की पकड़ में इतनी ज्यादा जकड़ गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, और चील को समझ में आ गया कि आज उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आपने आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। यहाँ पर एक बिल्ली और सांप आपस में भिड़ चुके हैं। वैसे तो बिल्ली बहुत ही ज्यादा डरपोक किस्म के जानवर होते हैं, पर यहाँ पर पता नहीं इस बिल्ली को क्या हो गया है और ये सांप से भिड़ी हुई है। यही नहीं, ये बिल्ली यहाँ पर सांप को कड़ी टक्कर दे रही है और ये सांप बिल्ली से हारता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही सांप बिल्ली पर हमला करने की कोशिश करता है वैसे ही ये बिल्ली सांप पर हमला कर देती है। सांप बहुत ही कोशिश कर रहा है इस बिल्ली को हराने की, मगर ये बिल्ली हर बार सांप पर भारी पड़ रही है। काफी देर तक चली इस लड़ाई में अंत में ये बिल्ली सांप को अपने मुंह में दबाकर भाग जाती है। यहाँ पर कुछ जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट टहल रहे होते हैं, पर तभी इन वाइल्ड बीस्ट में से एक वाइल्ड बीस्ट जेब्रा को छेड़ने की कोशिश करता है और उसे परेशान करता है, पर इस वाइल्ड बीस्ट को जेब्रा से पंगा लेने का नतीजा तुरंत ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वाइल्ड बीस्ट जेब्रा को छेड़ता है वैसे ही जेब्रा भी तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हुए वाइल्ड बीस्ट को लात मार देता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी जानवर भाग जाते हैं। अगला ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है जिसे देखकर आपको पक्का हंसी आ जाएगी। इस वीडियो में एक आदमी के सामने एक सांप आ जाता है और इस आदमी के सामने फन लहराने लगता है, पर यहाँ पर ये आदमी इस सांप से डरने के बजाय सांप के ऊपर अपने पैर से वार कर देता है। पहली बार जब ये आदमी सांप पर वार करता है तो ये सांप यहाँ से नहीं हटता, पर जब दोबारा ये आदमी सांप पर वार करता है तो बेचारा सांप भी घबरा जाता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। पाइथन काफी ज्यादा विशालकाय और खूंखार जानवर होते हैं जो बड़े बड़े जानवरों को मात दे देते हैं, मगर जब बात हनी बेजर की आती है तो दुनिया का कोई भी जानवर इनके सामने नहीं टिक पाता है, और इसीलिए इन्हें स्नेक किलर भी कहा जाता है। पर पता नहीं इस पाइथन को क्या सूझा और ये हनी बेजर का शिकार करने लगा, मगर यहाँ हनी बेजर ने पाइथन को सबक सिखा दिया जिसे ये जिंदगी भर याद रखेगा। हनी बेजर ने पाइथन को काट काट कर उसे चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ा। अगली ये वीडियो किसी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें एक भालू घर के अंदर घुस आता है और काफी देर तक वहाँ पर अजीब अजीब हरकतें करता रहता है, पर इस भालू को नहीं पता था कि इसका सामना आज किससे होने वाला है। ये भालू घर के अंदर अजीब अजीब हरकतें कर ही रहा होता है कि तभी घर के कुत्ते की नज़र भालू पर पड़ जाती है और वो तुरंत इस भालू के पास चला आता है और उसे भगाने की कोशिश करता है। ये कुत्ता इतना साहसी होता है कि ये भालू पर अचानक से हमला करके उसे डरा देता है, जिसकी वजह से भालू यहाँ से भाग जाता है। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बेवजह पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो में कुछ घोड़े घास चल रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर एक मगरमच्छ धूप में बैठा हुआ था। तभी एक घोड़े को पता नहीं क्या सूझता है और वो मगरमच्छ के पास चला जाता है और मगरमच्छ को यहाँ से भगाने के लिए उसे लात से मारने लगता है। पहली बार तो ये घोड़ा कामयाब रहता है और इस मगरमच्छ को एक लात मार भी देता है, मगर दूसरी बार जब इस घोड़े ने मगरमच्छ को लात मारने की कोशिश की तो फिर मगरमच्छ ने भी इसे सबक सिखा दिया
दिया और इस पर तुरंत ही हमला कर दिया। हालांकि इस घोड़े की किस्मत बढ़िया थी जो ये मगरमच्छ के हमले से बच गया, वरना आज तो इसका कीमा बन जाना था। दोस्तों शेर और मगरमच्छ ये दोनों ही अपने अपने इलाके के राजा होते हैं और ये दोनों ही जानवर जंगल में हमेशा ही अपना खौफ बरकरार रखते हैं। पर अगर गलती से शेर मगरमच्छ के इलाके यानी कि पानी में पहुंच जाता है तो फिर उसकी खैर नहीं होती। वैसे तो ज्यादातर शेर पानी में तैरने के शौकीन नहीं होते, लेकिन पता नहीं इन दो शेरों को क्या सूझा और ये पानी में तैरने लगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये जिस पानी में तैर रहे हैं उस पानी में एक मगरमच्छ भी बैठा है। और इन दो शेरों को देखते ही मगरमच्छ को तो जैसे मजा ही आ गया और फिर उसने पानी के अंदर ही अंदर इन दो शेरों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी इन दो शेरों को नहीं पता था कि इनकी ओर मौत बढ़ रही है। और इसके बाद मौका देखते ही मगरमच्छ ने इन पर हमला कर दिया और इनमें से एक शेर को अपने चंगुल में जकड़ लिया। लेकिन इन दोनों में से दूसरा वाला शेर लकी था जो बच गया, वरना आज तो इसका काम तमाम हो ही जाता। अगले इस वीडियो के अंदर एक कुत्ता पार्क में बैठे बंदर से भिड़ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। पहले तो बंदर कुत्ते पर इतना ध्यान नहीं देता और अपनी मस्ती में मस्त रहता है, पर जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो फिर इस बंदर को गुस्सा आ जाता है और फिर बंदर कुत्ते को सबक सिखाने के लिए उसे छेड़ने लगता है और उसे खूब परेशान करता है। ये बंदर कुत्ते को बार बार मार कर फुर्ती के साथ उससे बच जाता है, जिससे ये कुत्ता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ये बंदर इसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ता और इसे दौड़ा दौड़ा कर बहुत मारता है। अब अंत में जाते जाते आप इस वीडियो को भी देख लीजिए जहाँ पर एक हाथियों का झुंड और जंगली भैंसे घास चर रहे होते हैं, पर तभी इनमें से एक हाथी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो इन भैंसों से पंगा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ ये हाथी भैंसों को छेड़ने लगता है। पहले तो ये भैंसे हाथी की इस हरकत को मजाक समझते हैं, पर जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये भैंसे भी हाथी को सबक सिखा देते हैं। इनमें से एक भैंसा हाथी पर उल्टा वार कर देता है जिससे बेचारा हाथी दबे पाँव भाग जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन जय हिंद।